अब इस बात में कोई भी शक नहीं है कि गॉडज़िला को हर कोई पसंद करता है। कोई इसके बैडेस्ट डिजाइन की वजह से इसे पसंद करता है, कोई इसके मोटिव्स की वजह से इसे पसंद करता है। अब अगर आप गॉडज़िला को नहीं जानते और आपने गॉडज़िला की एक भी मूवी नहीं देखी है और गॉडज़िला नाम आप पहली बार सुन रहे हो, तो पहली झलक में आपको गॉडज़िला एक विलन के तौर पर दिखा होगा। और ऑब्वियसली कुछ मूवीज में हमें गॉडज़िला विलन के तौर पर भी दिखा है, लेकिन एक्चुअल में गॉडज़िला एक हीरो है जो कि इंसानों को नुकसान ना पहुंचाने की कोशिश करता है और इंसानों को जो दूसरा मॉन्स्टर नुकसान पहुंचा रहा है उसे मार कर इंसानों को बचाता है। गॉडज़िला कोई नया कैरेक्टर नहीं है। गॉडज़िला की सबसे पहली मूवी 1954 में आई थी जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हुई थी। और 1954 की गॉडज़िला द किंग ऑफ द मॉन्स्टर से लेकर अब तक की गॉडज़िला की काफी सारी मूवीज रिलीज हो चुकी है और अभी फिलहाल में आई गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग को हम कैसे भूल सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारा बेन 10 हर किसी को डिफीट करने की औकात रखता है। अब कुछ पावरफुल गॉडज़िला हैं जो कि इस लिस्ट में बताए गए टॉप 5 एलियन को डिफीट कर सकते हैं, जैसे कि बर्निंग गॉडज़िला, मेका गॉडज़िला, सुपर मेका गॉडज़िला और फाइनली गॉडज़िला अर्थ। गॉडज़िला अर्थ तो इतना पावरफुल है कि बेन 10 के एलियन एक्स के अलावा ये बेन 10 के हर एलियन को डिफीट करने की दम रखता है। गॉडज़िला अर्थ का साइज 1984 फीट है जो कि काफी बड़ा है। ना इस वीडियो में गॉडज़िला का कोई कमजोर फॉर्म भी नहीं रखा जाएगा, जैसे कि 90s का गॉडज़िला, जिल्ला, गॉडज़िला के बच्चे, ना उन भी कैरेक्टर को नहीं रखा जाएगा। इस वीडियो में मैं उसी गॉडज़िला को रखूंगा जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, यानी कि हमारा मॉन्स्टर वर्स का गॉडज़िला। ये गॉडज़िला भी काफी पावरफुल है और इस गॉडज़िला का सबसे पावरफुल अटैक है एटॉमिक ब्रीज और ये गॉडज़िला हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी काफी अच्छी तरीके से कर सकता है। नंबर 5 वेविक। हाँ, वेविक भी बेन 10 का एक ऐसा एलियन है जो कि गॉडज़िला को डिफीट करने की दम रखता है, लेकिन सबसे बड़ी डिसएडवांटेज वेविक का साइज है। अब भले ही आपको वेविक बेन 10 का सबसे बड़ा एलियन लगता हो, लेकिन गॉडज़िला वेविक से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, इसीलिए गॉडज़िला के साइज के सामने तो वेविक का साइज कुछ भी नहीं है। और बात आई वेविक की कॉस्मिक रेस वर्सेस एटॉमिक ब्रीथ की, तो जो गॉडज़िला की एटॉमिक ब्रीथ है वो ऑब्वियसली वेविक के ऊपर ज्यादा मात्रा में आएगी क्योंकि गॉडज़िला काफी ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर बेन 10 को जरूरत पड़ेगी अल्टीमेट वेविक की और ऑब्वियसली अल्टीमेट वेविक का साइज गॉडज़िला के बराबर का ही है। और हाँ, अल्टीमेट वेविक गॉडज़िला को डिफीट करने की दम रखता है। अल्टीमेट वेविक की कॉस्मिक रेस गॉडज़िला को काफी ज्यादा डैमेज कर सकती है क्योंकि डायगन जैसे इमॉर्टल बींग के सामने भी अल्टीमेट वेविक आराम से टिक गया था। लेकिन ऑब्वियसली भले ही गॉडज़िला कितने भी सालों तक जिंदा रह सके, लेकिन वो इमॉर्टल बींग नहीं है। गॉडज़िला को कभी ना कभी तो मरना पड़ेगा। नंबर 5 डायमंड हेड। अब आप लोग कहोगे मैंने डायमंड हेड को वेविक से ऊपर क्यों रखा है। डायमंड हेड सिर्फ अपनी थॉट पावर से ही क्रिस्टल को कंट्रोल कर सकता है। डायमंड हेड गॉडज़िला के सामने एक क्रिस्टल का बना हुआ टाइटन खड़ा कर सकता है और डायमंड हेड अपनी एकमात्र थॉट पावर से ही उस क्रिस्टल के बने हुए टाइटन को कंट्रोल कर सकता है। और डायमंड हेड अपनी थॉट पावर की मदद से कई सारे टाइटन खड़े कर सकता है अपने क्रिस्टल के बने हुए, और कई सारे टाइटन्स के सामने तो गॉडज़िला नहीं टिक पाएगा और टिक भी जाता है और उन टाइटन्स को डिफीट भी कर देता है, तो डायमंड हेड और भी टाइटन बना देगा, यानी कि पूरी की पूरी टाइटन की आर्मी बना देगा और गॉडज़िला से कई गुना ज्यादा बड़े टाइटन भी बना सकता है और उन्हें कंट्रोल कर सकता है। गॉडज़िला 3 टाइटन को डिफीट कर देगा, 4 टाइटन को डिफीट कर देगा, 5 को डिफीट कर देगा, 6 को डिफीट कर देगा, लेकिन 100 से भी ज्यादा टाइटन को डिफीट करना गॉडज़िला के बस की बात नहीं है। नंबर 3 ग्रेविटेक। ग्रेविटेक एक चलता फिरता लिविंग प्लेनेट है। ग्रेविटेक के पास ग्रेविटी पावर्स है और ग्रेविटी पावर्स की मदद से ग्रेविटेक गॉडज़िला के बैलेंस को बिगाड़ सकता है, जिससे गॉडज़िला जमीन पे गिर जाएगा। और गॉडज़िला अगर एक बार जमीन पे गिर जाता है तो गॉडज़िला के लिए उठना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ग्रेविटेक की ग्रेविटी पावर्स का गॉडज़िला पे ज्यादा असर नहीं होता, तो ग्रेविटेक के पास ग्रेविटी पावर्स लास्ट ऑप्शन नहीं है। ग्रेविटेक चाहे तो ब्लैक होल भी क्रिएट कर सकता है। अब ऑब्वियसली ग्रेविटेक ब्लैक होल को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो ब्लैक होल बना तो सकता है ना, लेकिन वो गॉडज़िला को ब्लैक होल बनाकर उसके अंदर फेंक सकता है, तो ऑब्वियसली वो गॉडज़िला को डिफीट कर देगा बाद में जो भी हो। नंबर 2 अपग्रेड। अब बहुत से बेन 10 फैंस चौंक गए होंगे कि अपग्रेड नंबर 2 पर कैसे आ सकता है। अगर आपने बेन 10 अल्टीमेट एलियन का अल्टीमेट सैक्रिफाइस एपिसोड देखा है तो वहाँ पर एक गैल्वेनिक मेगा मॉफ अपना काफी ज्यादा साइज बड़ा कर लेता है। अब आप लोग ये कहोगे कि वो मालवेयर की तरह एक डिफरेंट गैल्वेनिक मेगा मॉफ भी तो हो सकता है, तो मालवेयर होता तो वो अलग बात थी, लेकिन ये गैल्वेनिक मेगा मॉफ नॉर्मल है और हमारे अपग्रेड के पास भी अपना साइज बढ़ाने की पावर है। और बात आई गॉडज़िला की एटॉमिक ब्रीथ की, तो उसे टक्कर देने के लिए हमारे अपग्रेड के पास एनर्जी बीम भी है और अपग्रेड की जो बॉडी है वो पूरी तरह से लिक्विड की बनी हुई है।
है, इसीलिए अगर गॉडजिला हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है तब भी वो अपग्रेड से हार जाएगा। नंबर वन अटोमिक्स एंड एनर्जी। अब इन दोनों को मैंने नंबर वन पर इसीलिए रखा है क्योंकि ये भी गॉडजिला की तरह अटोमिक ब्रीथ शूट कर सकते हैं। एनर्जी जो है वो कितनी भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ऑब्वियसली वो गॉडजिला की अटोमिक ब्रीथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। और गॉडजिला अगर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बार बार एनर्जी के ऊपर अपनी अटोमिक ब्रीथ शूट करता है तो एनर्जी का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और वो आराम से गॉडजिला को डिफीट कर देगा। अटोमिक्स एक चलता फिरता न्यूक्लियर बॉम्ब है और वो अपनी किसी भी न्यूक्लियर पावर की मदद से गॉडजिला को डिफीट कर सकता है। अब आप लोग ये कहोगे कि अटोमिक पावर का तो गॉडजिला पर कुछ असर ही नहीं होता, तो अटोमिक्स के पास कई सारे ऐसे अटैक हैं जिससे गॉडजिला डिफीट हो सकता है। तो अटोमिक्स के पास फ्लाइंग पावर है जिसकी मदद से अटोमिक्स गॉडजिला को कंफ्यूज कर देगा। लेकिन आप बताओ कि इस फाइट का विनर कौन होगा, अटोमिक्स या गॉडजिला, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। और प्लीज इस वीडियो पर 5K लाइक तो करवा ही देना, ये लाइक एम है।